धनंजय धड़कन जी के गाना पे व्यू क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मतलब कि धनंजय धड़कन जी के स्टारडम को लेकर कुछ कि धनंजय धड़कन जी के स्टारडम बहुत ज्यादा गिरते नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी बात बोलता हूँ फैक्ट टू फैक्ट बोलता हूँ, ये सपोर्ट में हो या अनसपोर्ट में हो। दोस्तों कहीं ना कहीं धनंजय धड़कन जी के गाना पे व्यू नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? क्या स्टारडम पे पड़ चुका है बहुत बड़ा प्रभाव जो कि दिलों के धड़कन धनंजय धड़कन जी पे? इस चीज को लेकर आप लोगों के बीच मैं कुछ बात बताने वाला हूँ कि धनंजय धड़कन जी के गाने पे व्यू क्यों नहीं आ रही है। आखिर क्या बात है कि धनंजय धड़कन जी जो भी गाना आजकल छोड़ रहे हैं उसका व्यूज सही से नहीं आ पा रहा है, जो कि 15-20 हजार में जाने में हालत गंभीर हो जा रही है गाने का व्यू। जो कि इतना ब्रांड लेवल का गाना देख लीजिए शिल्पी राज जी और धनंजय धड़कन जी के था, जो कि दोनों ब्रांड सिंगर थे, लेकिन गाना का व्यू नहीं आया। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक और गाना रिलीज हुई है जो कि दारू पिए ल घरे आटा दाल नहीं खे, ये भी डुएट सॉन्ग था जो कि आदित्य राज जी गाई हुई थी और धनंजय धड़कन जी गाए हुए थे, इसका भी व्यू नहीं गया है। आखिर क्यों नहीं जा रहा है धनंजय धड़कन जी के गाने पे व्यू, इसका बात मैं बता रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि धनंजय धड़कन जी डुएट गाना गा रहे हैं इसके वजह से गाने पे व्यू नहीं जा रहा है, या धनंजय धड़कन जी को अच्छा से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, गाना अच्छा से गाना को मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है इस वजह से गाना पे व्यू नहीं जा रहा है। आखिर क्यों नहीं जा रहा है धनंजय धड़कन जी के गाने पे व्यू, उस चीज को लेकर मैं आप लोगों से बात बताने वाला हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं धनंजय धड़कन जी का काम पहले रेगुलर होता था, रेगुलर कंपनी से बड़े बड़े कंपनी के माध्यम से गानी आती थी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स लेके आती थी गाना, जो कि काफी अच्छा मतलब कि गाने पे व्यूज रहते थे और काफी अच्छा गाना वो चलते थे। बट आजकल जो भी गाना जो रिलीज हो रहा है कंपनी से, सब छोटे मोटे चैनल से ही रिलीज किया जा रहा है गाने को, तो गाने पे व्यू नहीं आ पा रही है। आखिर वजह तो हमको यही लगता है कि धनंजय धड़कन जी का फैन फॉलोअर एक आरसीएम म्यूजिक कंपनी थी, उस चैनल पे थी, वहां पे फैन फॉलोअर इनका था, तो गाना खींच खाच के 1-1.5 लाख चला जाता था। बट आजकल गाना जो कि धनंजय धड़कन जी छोड़ रहे हैं वो गाना कहीं ना कहीं छोटे कंपनी से छूट जा रही है, इसके वजह से गाना का व्यू ठीक ठाक नहीं जा पा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, किस वजह से गाना पे व्यू नहीं जा रहा है धनंजय धड़कन जी का? लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, धनंजय भाई आप भी देख रहे होंगे वीडियो, तो आपसे मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, इस बात को आप जरूर फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आपका गाना लगातार नहीं आने के कारण व्यू नहीं जा रही है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है धनंजय धड़कन जी कि आप अच्छे कंपनी से गाना रिलीज नहीं करवा रहे हैं, छोटे मोटे कंपनी से आपका गाना रिलीज हो रही है आजकल, इसीलिए गाने पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। मेरे जहां तक अनुभव है, मैंने हर एक सोशल मीडिया हर मतलब प्लेटफॉर्म से मैंने जांच किया पड़ताल किया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लगातार गाना नहीं आने की वजह से और लगातार मतलब कि छोटे छोटे कंपनी से गाना छूट रही है आजकल, इसी चीज के कारण से आपका गाने का व्यू नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगा कि आप बड़े बड़े कंपनी के माध्यम से गाना को छोड़िए और कुछ अलग हटके कीजिए, तो कहीं ना कहीं धनंजय धड़कन जी बवाल मचेगा। आपका फैंस फॉलोअर्स का इंतजार है कि आप बड़े कंपनी से काम कीजिए, बड़े कंपनी से गाना छोड़िए, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं धनंजय जी। तो आप इस चीज को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस गाना को मतलब कि आप अपना अगला गाना को कोई बड़े कंपनी से ही रिलीज कराइए। बट भाई आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिन भाई को बुरा लगा उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और जिन भाई को अच्छा लगा वो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप लोगों का भाई हम विक्की सिंह, आप देख रहे हैं बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार व्यार बनाए रहिए, आपको मिलते रहेगा एक से बढ़ के एक वीडियो देखने के लिए। तो जय हो भोजपुरी।